नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। जोधपुर में झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में बवाल। आधी रात को पत्थरबाजी में 3 पुलिसकर्मी घायल। इंटरनेट सेवाएं बंद। ईद पर जोधपुर हिंसा की सीएम गहलोत ने की निंदा। घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर भोपाल तक पढ़ी गई नमाज। नेताओं ने दी ईद की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी ईद उल फितर की बधाई। कहा, समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाएं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक मनाई जा रही ईद। मुल्क की तरक्की के लिए उठे करोड़ों हाथ। तलाक ए हसन और एकतरफा तलाक पर प्रतिबंध लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक समान कानून की मांग। पीड़िता ने दी दलील। डीजीसीए ने स्पाइसजेट की मुंबई दुर्गापुर उड़ान में गंभीर गड़बड़ी की जांच के लिए टीम भेजी। लक्षद्वीप में मांसाहारी मिड डे मील पर केंद्र सरकार को मिला सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ईद उल फितर पर सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, देश की स्थिति ठीक नहीं, हम आपको रोते नहीं देख सकते। गहलोत सरकार ने जोधपुर हिंसा के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। मंत्री खारचियावास ने बताया स्थिति। स्वच्छ ऊर्जा बना कूटनीति का अहम हिस्सा। छोटे देश के साथ भी ग्रीन एनर्जी संबंधों को प्रगाढ़ करने में जुटा भारत। पीएम मोदी ने बर्लिन में भारतीयों को किया संबोधित। कहा, अब समय नहीं गवाएगा भारत। कांग्रेस पर साधा निशाना। जर्मनी के साथ हुए समझौते में सिर्फ देश नहीं दुनिया की भी फिक्र। जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित रहे समझौते। पावर संकट का स्थायी हल निकालने पर मंथन। अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। बिजली की मांग पर नजर रखने का दिया निर्देश। पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर बने प्रधानमंत्री के सलाहकार। कई अन्य विभागों में भी हुए फेरबदल। आगरा में ईद उल फितर को लेकर जारी हुआ संदेश। सड़कों पर नहीं अदा होगी ईद की नमाज। अमेठी में खुद का इलाज करता दिखा बंदर। ग्लूकोज की बोतल को पीता दिखा बंदर। जिला अस्पताल की खुली पोल। औरैया में चांद दिखा, चेहरे खिले लोगों के। चांद देखते ही चला मुबारकबाद का दौर। औरैया में ईद की धूम। ईद की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। हमीरपुर में दौरे पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। बिजली की समस्याओं पर बोली साध्वी निरंजन। कोयला संकट की वजह
जो अब ठीक है। हमीरपुर में क्षेत्र के विकास में बाधा बनी बिजली, लोग कर रहे परेशानी का सामना। रायबरेली में ईद को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात। उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही ईद, मुख्यमंत्री ने दी बधाई, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे ईद का। जौनपुर में पारिवारिक कलह में युवक ने परिवार के चार लोगों को मारी गोली, बड़े पिता की मौत। बरेली में भाई की शादी में जाने की जिद पर अड़ी विवाहिता, तो बिजली का करंट देकर मार डाला। सभी नो एंट्री पास किए गए निरस्त, अब कानपुर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे भारी वाहन। रोबिली आवाज और संवाद से किरदार में जान फूंक देते थे कानपुर के परशुराम, देश भर में छोड़ी अमित छाप। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण तेजी से कराने के दिए निर्देश, अगले साल शुरू होगी पढ़ाई। प्रारंभिक शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण पर 11,411 करोड़ रुपए खर्च करेगी योगी सरकार। अक्षय तृतीया पर सजा सराफा बाजार, सोना चांदी की कीमतों में गिरावट से बढ़ेगा कारोबार। मेरठ में कोरोना ने फिर दिखाए तेवर, 14 नए मरीज मिले, कुल एक्टिव केस 35 हुए। इलाज के दौरान बच्चे की मौत, पुलिस ने अस्पताल पर लगाया ताला। गोरखपुर के दो डाकघरों में बड़ा घोटाला, डाक कर्मियों ने खाता धारकों के खाते से निकाल लिए 75 लाख रुपए, 3 कर्मियों पर मुकदमा। मेरठ में नामचीन खेल कारोबारी राकेश भल्ला और उसकी पत्नी को बेहोश कर लाखों की चोरी, नेपाली नौकर ने की वारदात। गोरखपुर में पुलिस चौकी के बगल में चल रहा वैध स्टैंड, हर एक वाहन के लिए वसूले जाते 100 से 500 रुपए। अक्षय तृतीया पर गंगा में पुण्य की डुबकी लगाते दिखे श्रद्धालु, बाबा दरबार में आस्था का सावन, घर घर अक्षय पुण्य की कामना। यूपी के उच्च शिक्षा मंत्री का प्रस्ताव, हर कॉलेज के लिए साबित होगा खास, शिक्षकों का भी तैयार होगा रिपोर्ट कार्ड। अक्षय तृतीया पर हुआ था भगवान विष्णु के दशावतारों में छठा अवतार भगवान परशुराम के रूप में। माइक्रो डोनेशन अभियान में चमके गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता, टॉप 98 में 12 पदाधिकारी गोरखपुर के। राज्य विश्वविद्यालय का बड़ा फैसला, प्रयागराज मंडल के संबद्ध कॉलेजों के 50 शिक्षकों का अनुमोदन निरस्त। यूपी में बेरोजगारी दर घटकर 2.5
0.9% ही रह गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट में दावा। नशे में धुत महिला अफसर को सड़क पर ड्रामा पड़ा महंगा, सीएम योगी ने दिया निलंबित करने का आदेश। योगी सरकार 2.0 के मंत्रियों की रिपोर्ट पर अब जिलों में तैनात अफसरों के शुरू होंगे तबादले, लिया जा रहा फीडबैक। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के जिम्मे होगी अयोध्या की सुरक्षा वाहिनी के लिए जल्द जमीन खोजने का निर्देश। एटीएस की विशेष अदालत में पेश किया गया अब्बासी, न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। खुले गंगोत्री धाम के कपाट, मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी के नाम से की पहली पूजा। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर और होटल बुकिंग करवा रहे हैं तो सावधान, पहले ही दिन साइबर ठग ने बनाया व्यक्ति को शिकार। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है तो मोबाइल पर आएगा मैसेज। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा जिला पंचायत अध्यक्ष अब लिख सकेंगे सीडीओ एटीओ की एफआईआर। पिपलिया कांड मामले में फोर्स के साथ बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस, फिर बिना कार्रवाई वापस लौटी। उत्तराखंड के शेयर मार्केट में पैसे दोगुने करने के नाम पर ठगे 1,60,00,000 आरोपित हरियाणा से हुए गिरफ्तार। सुरई जंगल में युवक की गला रेत कर हत्या, आरोपितों ने नहर में फेंक दी बाइक। देहरादून में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए के पार, तीन हफ्ते से ज्यादा समय से दामों में नहीं हुआ बदलाव। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्री मॉनसून गतिविधियां शुरू होने की संभावना। नैनीताल में ऑपरेशन के दौरान आंखों की रोशनी गंवाने वाले पीड़ितों को 3-3 लाख का मुआवजा। कुमाऊं के 70 पीआरडी जवान बुझाएंगे जंगल की आग, दिया गया प्रशिक्षण। राजभाषा उपसमिति संयोजक रामचंद्र बोले वोट बैंक के लिए सीएम स्टालिन कर रहे हिंदी का विरोध। पूर्णागिरी के भैरव मंदिर में 2 करोड़ की लागत से बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग, सीएम ने 2 करोड़ की स्वीकृति की। स्टोन क्रशर संचालक नहीं लेंगे खनन सामग्री, वाहन स्वामी और खनन व्यवसायियों में खलबली। सुरकंडा देवी रोपवे का लेकर सीएम हरीश रावत ने कहा कांग्रेस के काम का श्रेय ले रही भाजपा सरकार। पाकिस्तान के पंजाब के गवर्नर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे हमजा को बताया फर्जी सीएम।
अजीबो गरीब पेशकश। पूर्व मंत्री शेख राशिद की विंग हटाने वाले को 50,000 पाकिस्तानी रुपए का इनाम। पाक सरकार खत्म कर सकती है नवाज शरीफ के भ्रष्टाचार के मामले। वापसी के लिए पूर्व पीएम को नया पासपोर्ट जारी होने की भी खबर। यूक्रेन के शरणार्थियों के साथ रोमानिया और स्लोवाकिया में मातृ दिवस मनाएगी जिल बाइडेन। कोविड टीके की तकनीक से हाई डिजीज का भी हो सकता है इलाज। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में होगा मददगार। जर्मनी का बड़ा ऐलान, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए भारत को 2030 तक देगा 10 अरब यूरो की मदद। जयशंकर ने की जर्मन समकक्ष बेयर बॉक्स मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध और हिंसा, हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस सेना के हमले जारी। ट्रंप बोले बाइडेन ने अमेरिका को किया शर्मसार। खरीद तत्काल रोक सकता है यूरोप। सबसे बड़े खरीदार जर्मनी ने प्रस्ताव पर जताई सहमति। सतत विकास पर केंद्रित कई समझौतों पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी बोले दुनिया में सफलता की मिसाल बन सकते हैं भारत जर्मनी के संबंध। वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन करने वाली कंपनियों को प्राथमिकता पर मिले लोन, एलन मस्क ने कहा। निवेशकों का हिस्सा ओवर सब्सक्राइब हुआ। आरक्षित रखे गए 5.93 करोड़ शेयर के मुकाबले दोगुनी बोलियां मिली है। एडिबल ऑयल की कीमतों में मिल सकती है राहत। पॉम तेल के आयात पर सेस कटौती पर विचार। कीमतों पर लगातार नजर। देश को मिला 1.25 यूनिकॉर्न। न्यू बैंक प्लेटफॉर्म ओपन का वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर हुआ। रेलवे ने कैंसिल की है 100 से ज्यादा ट्रेनें। लिस्ट देखकर घर से निकलने के आदेश। अप्रैल में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% तक पहुंची। सीएमआईए ने दी जानकारी। भारत ने ईंधन खरीद के लिए श्रीलंका को दी 20 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त लोन फैसिलिटी। आईआरसीटीसी लाया धार्मिक पैकेज। दिल्ली से तिरुपति की यात्रा करने के लिए रहने खाने की व्यवस्था भी होगी मुफ्त। चेक कर सकते हैं डिटेल्स। दिल्ली एयरपोर्ट बना दुनिया का दूसरा सबसे बिजी हवाई अड्डा। दुबई को छोड़ा पीछे। पहली बार जोमैटो का शेयर 70 रुपए के नीचे फिसला। आईपीओ प्राइस से करीब 9% की गिरावट। बैट से बनाई ऋषभ पंत की कमाल की पेंटिंग। इस सीजन में दिल्ली की बल्लेबाजी और गेंदबाजी पिछले सीजन के मुकाबले ज्यादा अच्छी रही। ऋतुराज गायकवाड़ का अनोखा रिकॉर्ड। आईपीएल में सीएसके की तरफ से 99 रन पर आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने।
ऋतुराज गायकवाड़ ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, आईपीएल में रच दिया इतिहास। सुरेश रैना ने 34 पारी के बाद ये मुकाम हासिल किया था। अंपायर के फैसले पर भड़के संजू सैमसन, वाइड बॉल दिए जाने पर लिया डीआरएस, हालांकि ये फैसला उनके पक्ष में नहीं रहा। विराट कोहली टी20 विश्व कप की तैयारी में जुटे, पूर्व कप्तान ने खुद के लिए तय किया खास लक्ष्य। छाछठ साल के पूर्व भारतीय क्रिकेटर अरुण लाल ने उम्र में 28 साल छोटी बुलबुल साहा से रचाई शादी, कोलकाता में लिए 7 फेरे। नीतीश राणा और रिंकू सिंह ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में केकेआर को दिलाई जीत, राजस्थान को 7 विकेट से हराया। एमएस धोनी, कोहली और रोहित के खिलाफ मध्य प्रदेश में जनहित याचिका दायर, ऑनलाइन सट्टा और जुआ को प्रमोट करने का आरोप। क्रिकेटर केएल राहुल ने की मोहसिन खान की गेंदबाजी की तारीफ, केएल राहुल अपनी ही टीम के तेज गेंदबाज को नहीं करना चाहते फेस। पुणे में वॉशिंगटन सुंदर फिर से हुए चोटिल, टॉम मूडी ने कहा सीएसके के खिलाफ उनकी कमी खली। कंगना रनौत ने मीटू कैंपेन को लेकर किया खुलासा, कहा इसे सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्री ने मुझे बैन कर दिया था। पलक तिवारी को उनकी रैंप वॉक के लिए मुंबई में लेना लोगों ने किया ट्रोल, कहा अपनी मां की तरह हो ओवर कॉन्फिडेंट। आलिया भट्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर लगाई दौड़, भीड़ के बीच अपने हीरो को ढूंढती आई नजर। आजमा फला पहुंची ग्रैंड फिनाले चार्जशीट राउंड में, पायल रोहतगी ने सिलेक्शन पर उठाए सवाल। महेश बाबू की सरकारू वारी पाठा का ट्रेलर आउट, एक्टर का दिखा दमदार एक्शन। मुंबई में रणवीर सिंह ने वैनिटी वैन में चिपकाया चार्ली चैपलिन का फोटो, जैश भाई जोरदार का कॉमेडियन से खास जुड़ाव महसूस करते हैं एक्टर। मीका सिंह के स्वयंवर में शान करेंगे दुल्हनिया ढूंढने में मदद, कहा वो जगह चांद के पीछे छुपे एक अच्छे दिल वाले इंसान है। बच्चे के गाने में खोए पीएम मोदी, सबके सामने ही बजाने लगे चुटकी, वीडियो शेयर कर अक्षय कुमार ने कहा दिल खुश हो गया। सलमान खान और चिरंजीवी को कोरियोग्राफ करेंगे प्रभु देवा, गॉडफादर के स्पेशल सॉन्ग में आएंगे नजर। अजय देवगन और किच्चा सुदीप के हिंदी विवाद में सोनू निगम की एंट्री, बोले तमिल सबसे प्राचीन भाषा। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।